हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे किचन कंपोस्ट। किचन के कचरे से खाद बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक ये मटका लिया है और इसमें हमने नीचे ड्रेनेज होल बनाया है। ये ऊपर भी हमने यहाँ पर एयर सर्कुलेशन के लिए इस टाइप से छोटे छोटे होल बनाए हैं। अब हम इस होल को एक पत्थर से कवर कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे इस तरह की और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। इस ड्रेनेज होल को हम इस कवर कर देंगे, जिससे हमारा कचरा बाहर ना गिरे और लिक्विड आराम से नीचे जाती रहे। अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी, जो हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो डालेंगे अब हम इसमें। मटके के तले को हम मिट्टी से पूरा कवर कर लेंगे। अब इस तरह ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कंपोस्ट बनाते समय। ये हमारा किचन का कचरा है, इसमें सब्जी जो हमारी ख़राब हो जाती किचन में, हरी सब्जी, फ्रूट के छिलके, सब्जी के छिलके, सब कुछ है इसमें। इसमें सिर्फ हमारा पका हुआ खाना नहीं है, उसके अलावा फल फ्रूट सब्जी के छिलके हैं। हमें पकी हुई रोटी सब्जी ये कुछ नहीं इसमें डालना है। सिर्फ हमें इसमें कच्चा मटेरियल डालना है, वो भी फल फ्रूट और सब्जी के छिलके। अब एक बार फिर हम मिट्टी की लेयर बना देंगे। हमारा मटका लगभग आधा भर गया है। आधा भरने के बाद हम फिर से मिट्टी की लेयर बनाएंगे, मोटी सी, पूरा किचन वेस्ट ढक जाए ऐसी। तो हम फिर से सब्जी के छिलके डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गार्डन वेस्ट है, जैसे पत्तियाँ वगैरह, फूल, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। लेकिन हमें रोटी या पकी हुई सब्जी वगैरह कुछ नहीं डालना है। ये हम गार्डन वेस्ट डाल रहे हैं, पौधे से जो निकलता है।
मटका पूरा भर गया, अब हम इसे मिट्टी से कवर कर लेंगे। हमने इसे ऊपर से फिर से मिट्टी से कवर कर लिया है। कोई भी पत्थर वगैरह हो बड़ा तो आप हटा लीजिए। ये देखिए हमने इसे कवर कर लिया है बढ़िया से, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। और अब हम इसमें डालेंगे दही। यहाँ पर हमने दही और छाछ दोनों को मिक्स किया है, आप केवल दही या छाछ भी डाल सकते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी के बैक्टीरिया में मिलकर लाखों गुना बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी कंपोस्ट की प्रक्रिया बहुत फास्ट कर देते हैं, बहुत जल्दी हमारा कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसे किसी छांव वाली जगह में रख देंगे ढककर, और नीचे हम ऐसा कुछ बर्तन रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे जिसमें लिक्विड अगर आएगा अंदर से तो उसमें गिर सके, उसे भी हम अपने प्लांट में यूज़ कर लेंगे लिक्विड को। ये देखिए अभी इसे ढक दिया है, छांव वाली जगह में रखेंगे हम इसे। ये हमने पहले बनाया था इसी तरह से, देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, कोई कीड़े वगैरह कुछ नहीं है, एकदम साफ है, कितनी बढ़िया कंपोस्ट बनी है। ये लगभग गर्मी के दिनों में 28 से 30 दिन में बन जाती है, इसलिए हम इसे 15 से 20 दिन के बाद चेक करते रहेंगे कि क्या पोजीशन है इसकी। और अब हम इसे रख देंगे छांव वाली जगह में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।